अमीषा पटेल ने खुलासा किया कि गदर 2 के सेट पर पुरानी यादों का बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि सनी देओल के साथ कहानी का दूसरा अध्याय बनाने के लिए कलाकार फिर से जुड़ते हैं। अभिनेत्री अमीषा पटेल बहुप्रतीक्षित सीक्वल गदर 2 के लिए एक बार फिर सकीना की दुनिया में प्रवेश करने के लिए खुश होने के साथ साथ उत्साहित भी हैं। यह भी स्वीकार करती हैं कि वह अपने दिल में 20 साल तक ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के साथ रही, जो इसे और अधिक विशेष बनाता है। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक फिल्म पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल तारा सिंह यानी सनी देओल के साथ सकीना के किरदार को निभाने के लिए वापस आना असली है। अमीषा पटेल कहती हैं कि वह धर्मशाला में अपने चल रहे शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक के दौरान हमसे मिलती हैं। वह आगे कहती हैं कि मुझे यह 20 साल जैसा नहीं लगता कि सकीना मेरे खून का हिस्सा है, इसीलिए मुझे किरदार में ढलने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ी। वह बहुत प्यारी और पवित्र है। गदर करते हुए भी मुझे लगा कि वह मेरा ही विस्तार है, इसलिए यह मेरे लिए बहुत आसान है। विस्तारों में यह सकीना के साथ एक व्यक्तिगत संबंध महसूस करती है। जैसा कि वह कहती हैं, सकीना सम्मानजनक है, शिक्षित है और एक अच्छे परिवार से आती है। वह सही रास्ते में विश्वास करती है और प्यार के लिए लड़ती है, और क्या सही है ये भी मेरा हिस्सा है। वास्तव में फिल्म के सेट पर पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, क्योंकि कहानी का दूसरा अध्याय बनाने के लिए कलाकार फिर से जुड़ते हैं। सनी देओल और उत्कर्ष शर्मा फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और शक्तिमान द्वारा लिखित है। मिथुन एक संगीतकार के रूप में भी शामिल है। यह प्रोजेक्ट जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है। अमीषा पटेल कहती हैं कि मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब किसी अभिनेता को एक बार सफल किरदार फिर से देखने का मौका मिलता है। गदर के किरदार आज भी सभी के जहन में अंकित है, और अब लोग देखना चाहते हैं कि इस परिवार का फिर से क्या होता है। पटेल के अनुसार गदर मुगले आजम शोले और टाइटैनिक जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की सूची में आता है। उन्हें दूसरा भाग नहीं मिला, और हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका फिर से मिल रहा है। पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को स्टूडियो ने इस प्रोजेक्ट की योजना का समर्थक किया। हमें हम पर इतना विश्वास है, देखना अद्भुत है। नेता कहते हैं, अब गदर 2 से क्या उम्मीद की जाती है, तो पटेल बताते हैं, दर्शकों के लिए एक दृश्य होगी कि लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि यह 20 साल का अंतर रहा। शानदार गीत, नाटक, कॉमेडी वादों के साथ आएगी। हाँ, कोई भी चेयर्स, ताली और पैटिस की उम्मीद कर सकता है, जो सिनेमा में लंबे समय से गायब था। उसे घर के बड़े पर्दे पर वापस आने के साथ फिर से बनाया जाएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.